क्या बनेगा हाई एवरी वन वेकम टू जी केमिस्ट्री सो गाइज दिसन और पार्ट सिक्स में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था बर्ड रिडक्शन के बारे में मैंने आपको बोला था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है रिडक्शन आपको ऑल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस वाले पोर्शन से इसमें आपको ये बोला था कई सारे ना फंक्शन बहुत सारे होते हैं इसके तो तीन फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले पार्ट में अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो इसको देखने से पहले बार जाके उसको देखकर आ जाओ उस से कंटिन्यू करेंगे हम ठीक है तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस सबसे पहले ये क्या था कि हमारे पास जो अपने पास होता है ये बर्च प्रोडक्शन जिसमें हम मेटल लेते हैं लिक्विड अमोनिया इसमें बेसिकली सबसे पहले काम कौन सा होता है इसका सबसे पहले काम तो ये होता है कि ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स को रिड्यूस करेगा आइसोलेटेड को नहीं करेगा ठीक है और इसके बाद फिर हमने बोला था कि अपने पास जो एल्काइंस होते हैं एलकाइंस में टर्मिनल एल्काइंस को नहीं करेगा इंटरनल एलकाइंस को करेगा इन सब के रीज़न में ऑलरेडी फर्स्ट वाली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ ठीक है और इसके बाद लास्ट में हमने फिर देखा था एरोमेटिक सिस्टम्स जो होते हैं उसमें अपने पास अगर मैं लगा दूँ इलेक्ट्रॉन दू, डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो दोनों में किस तरह से प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं वो सब हमने चेक करा था पहले लास्ट वाली क्लास में इसके बाद आपको ये होमवर्क मिला था एक तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आज वाली क्लास में आज हम कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो ये बायसाइक्लिक सिस्टम में किस तरह से रिडक्शन होती है और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पूछा गया है नेट जून 2018 में और फिर हम करेंगे कुछ स्टीडियो केमिस्ट्री बनाने वाले क्वेश्चन ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने होमवर्क से एंड आई एम श्योर आपने सॉल्व कर लिया होगा जैसे हमने लास्ट क्लास में बोला था कि अपने पास जो एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं उसमें किस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है तो ये अपने पास एरोमेटिक सिस्टम है ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई से देगा ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एम और से लेगा, है ना? कैसे को? इस तरह से दिखा सकते हैं? है ना? हमने ये भी बोला डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विडड्रॉइंग अगर दोनों ग्रुप लगे हों तो फिर क्या होता है डोमिनेटिंग कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप डोमिनेटिंग दैट मींस इसके अकॉर्डिंग करने वाले रिएक्शन को हम क्या होगा इधर जैसे ही प्लस आएगा तो अपने पास रिएक्शन में क्या है अपने पास इलेक्ट्रॉन सोर्स है सोडियम ना इलेक्ट्रॉन दे देगा दे इसको यहाँ पे क्या मिलेगा रेडिकल मिलेगा हम सबसे पहले ठीक है फिर क्या होगा एक और दे देगा वो ऐसे करके हमें यहाँ हम पे एच मिल जाएगा लास्ट में जैसे हमने पहले किया था पहले क्लास में लास्ट में क्या होगा हमें कुछ ऐसे देने को मिलेगा लास्ट में हमें कुछ ये मिलेगा सी एच यहाँ लगाया हमने यहाँ पर तो डबल वोन आ गया है इस पे आया है ओ माइनस और यहाँ पर ये यह पूरी रिंग ऐसे जो भी ग्रुप लगे हुए लगा लेंगे हम यहाँ पे ओ एम ई और यहाँ पर भी ओ एम ई ठीक है इस तरह से ये है है ना अब क्या होगा लास्ट स्टेप में इसमें ऐड करवाया गया है मिथाइल आयोडाइड तो लास्ट स्टेप देखो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था लास्ट क्लास में भी बस डिफरेंस उसमें बेंजीन था इसमें फिर वाला सिस्टम नेक्स्ट टाइम क्या होगा ये ऐसे ये ऐसे या फिर क्या कर सकते हैं इसको हम डायरेक्टली ऐसे अटैक करता हुआ दिखा सकते हैं यहां पर तो क्या मिलेगा हमें लास्ट में लास्ट में देखो मैं डायरेक्टली यहां पे कर देती हूँ इसको हटाया हमने यहां से इसको बैठा दिया इधर ये बना और यहां पे आके लग गया मिथाइल तो ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट क्लियर है इतना इस तरह से हम करते हैं अब आते हैं आज वाली क्लास पे यहां पर आते हैं ठीक है तो आपके पास अभी हैं सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जिसमें हमारे पास दो रिंग होती है बायसाइक्लिक है अब ना ऐसे वाले क्वेश्चन नेट में काफी बार पूछे जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं एक चीज ना और ध्यान दो यहां पर तो वैसे हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं अपना बर्थ रिडक्शन इसके अलावा अगर यहां पे मान लो ओजोनोलिसिस करवा रखा होता ओजोनोलिसिस या मान लो इसमें रिडक्शन कर करवाते कर कर तो जब भी हमारे पास दो तरह की रिंग अवेलेबल होती है एक ही सिस्टम में तो हमें यह चेक करना होता है कि इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा आपको ना मैं एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ उसको सुनना एक बार ध्यान से जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्या बोलते हैं रिडक्शन क्या होता है रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक बात है इतनी है ना वैसे तो मैं इसको होमोलिमो के कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ जैसे लास्ट में देखा ना होमोलिमो कैसे कैसे हम डिसाइड करते हैं वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईजी रहता है हमने क्या बोला रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें ये पता है ये बर्ड रिडक्शन है रिडक्शन तो होने दैट मीन इलेक्ट्रॉन्स का गेन होने वाला है अब यहाँ बताओ

इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा तो ये तो अपने पास है इलेक्ट्रॉन रिच है ना और कंपैरेटिवली जो अपने पास ये वाला सिस्टम है ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो रिडक्शन इसी का होगा तो क्या करेंगे हम रिडक्शन इसी का करवाएंगे फिनोल वाली रिंग रिड्यूस नहीं होगी ये है यहां पर ऐसे और ये ये मिलेगा आपको फाइनल प्रोडक्ट ठीक है इस तरह से करते हैं सॉल्व क्लियर हुआ आप सिंपल ऐसे देख सकते हो अगर आपके माइंड में है कि मैम इलेक्ट्रॉन गेन वाला तो ठीक है गेन और लॉस वाला तो ठीक है लेकिन एक्सप्लेन कैसे करेंगे देखो हमने ये बोला था यहाँ पास का इलेक्ट्रॉन सोर्स है दैट मीन्स होमो यहां से आता है है ना और जो अपना सिस्टम है वहां से क्या मिलने वाले में लूमो लेना होता है अब क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो इस वाले रिंग का जो हमारे पास है एनर्जी बढ़ जाएगी लूमो की इलेक्ट्रॉन रिश है ना ये तो लूमो की एनर्जी बढ़ जाएगी और इसकी कंपेरेटिवली हुए इसीलिए इलेक्ट्रॉन जाना जाना पसंद करेगा, यहाँ पे जाना पसंद करेगा करेगा पे जिसका लूमो कंपेरेटिवली कम है मान लो ये यह पे इसका यहां पर कहा जाएगा ये जाएगा ना फिर इलेक्ट्रॉन यहां जाना पसंद करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एनर्जी को इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप एनर्जी को डिक्रीज करते हैं ठीक है चीके? इसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो अब आते हैं यहां पर इसको कैसे कराएंगे देखो यहां पर अपने पास दो रिंग है ये तो डोनेटिंग ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसकी लूमो की एनर्जी को इंक्रीज कर देगा है ना या फिर हम ये कहें कि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रिच है रिंग और ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दैट मींस इस बार रिडक्शन इसका होगा तो बस हम ये करवाने इस बार आपको ये देखने को मिलेगा ऐसे ठीक है और ये अपना रिड्यूज होकर ये क्लियर है इस तरह से हम करवाएंगे क्लियर हो गया अब चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे ध्यान से करना एकदम ध्यान से ठीक है क्योंकि ना मेन पार्ट वही है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कौन सी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सी है अगर वो नहीं निकाल पाए तो फिर गया क्वेश्चन फिर नहीं बचने वाला है देखो हमें यह तो पता है कि इनमें से एक तो इलेक्ट्रॉन रिच होगी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो दोनों में से किसी एक रिडक्शन होना है है ना दैट मीन ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता अगर हमें ना भी आता हो ये क्वेश्चन फिर भी हम हम ये मान लेंगे कि ये तो नहीं होने वाला है इस वाले केस में कैसे रिड्यूस देखो इसको भी कर दिया इसको भी कर दिया सिर्फ ये बीच में आई भी नहीं पॉसिबल इन दोनों में से कौन सा डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे तो देखो एक चीज देखना यहां पर अपने पास ये लगा हुआ है तो ये पायरोल है यहां पे क्या होता है इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर जाते हैं ऐसे करके है ना और अगर हम बात करें दो रिंग्स की बेसिकली और बेंजीन बेंजीन की तो वाला जो सिस्टम होता होता है वो रिच होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच से अब ये कैसे बोलेंगे देखना पहले ध्यान से मैंने ये दो अलग अलग सिस्टम बनाए ठीक है एक ये और ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है कैसे बताएंगे हम देखो अगर आप निकालना चाहते हो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालोगे ये हम निकाल सकते हैं कैसे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सॉरी तो तो है। और एच कितने हैं एच बी सिक्स है लगा लेना एच बी सिक्स है कितना आया वन अगर हम यही बात करें पायरो सिस्टम में तो अगर हमें यहां निकालनी है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम ये बोलेंगे कि कॉन्जुगेशन में तो टू फोर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ही डिवाइड बाय एच कितने वन टू थ्री फोर एंड फाइव कितना आएगा ये वन पॉइंट टू ऐसे आएगा दैट मीन्स हमारे पास जो ये वाला सिस्टम है ये कंपेरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है ठीक है और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा दैट मीन्स इसका रिडक्शन नहीं होगा जब तक ये अवेलेबल तो पहले इसका रिडक्शन हो जाएगा ठीक है आपको वही करवाना है यहाँ पर आओ ये है अपने पास इलेक्ट्रॉन रिच है और ये कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है इसका रिडक्शन होने वाला है अब देखो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्लियर हो गया है ना ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे ना ऐसे बहुत बार देखने को मिलता है एग्जाम्स में ओके चलो ये तो हो गया अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इस तरह के सिस्टम्स जहां पर आपने पास क्या हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पहले यह देखेंगे कि इसका रिडक्शन होगा कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री फिर आगे डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसमें अगर मैं ऐड करवा दू ये लिथियम इन लिक्विड अमोनियम और यहां हमने डाल दिया सपोज कोई भी एल्कोहल ठीक है तो यह कैसे मैकेनिज्म होने वाली है कैसे होगी रिएक्शन वो हमें देखना है पहला क्वेश्चन ये रिड्यूस ये किसको करेगा इसको या फिर इसको कैसे करेंगे देखो एक चीज आंसर देखना अगर मैं आपको ये बोलू ये निबस रिंग कैसे ये वाले डबल बोन कैसा है ये अपने पास एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बोन है ना तो समझ ध्यान ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर ये कॉन्जुगेशन में है और क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है तो इसका रिडक्शन होगा अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ सिर्फ ये तो फिर इसका रिडक्शन नहीं होगा अगर मान लो ऐसे है तो फिर इस डबल बोन का रिडक्शन नहीं होगा ध्यान रखो जब भी हम बात कर रहे हैं बर्थ रिडक्शन की तो सिर्फ डबल डबल ही रिड्यूस होते हैं चाहे वो के के साथ साथ हो या फिर मान लो कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन कॉन्जुगेशन चाहिए ठीक है तो आपको कॉन्जुगेटिव सिस्टम चाहिए होगा कैसे करवाएंगे मैकेनिज्म वो देखते हैं ऐसे हमने करवाया इधर जैसे ही प्लस डेवलप होना स्टार्ट करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद देखो पहले तो हमने ये बनाया O- यहाँ लगाया डबल बॉन्ड यहाँ पर अपने पास इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया लिथियम ने ऐसे बन गया ठीक है अब क्या होगा ये यहाँ से H निकाल लेगा O- और ये बन जाएगा OH सही है इसके बाद फिर से मेटल अवेलेबल है सिस्टम में फिर से इलेक्ट्रॉन देगा और ये बन जाएगा माइनस इसके बाद क्या करेगा ये इसको निकाल सकता है H+ को इसने इस H+ को निकाले यहां से ये डिटेल्ड हम लास्ट में देख चुके हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ऐसे हो गया नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ऐसे आके ये वापस ऐश निकाल लेगा यहाँ से तो क्या मिलेगा ये लास्ट में हमें ये मिला यानी कि जब भी ऐसा सिस्टम होगा तो आप डबल बोल्ड को रिड्यूस करवा देंगे ठीक है तो आप डबल बोल्ड को रिड्यूस करवा देंगे क्लियर हो गया अभी करते हैं कुछ एग्जाम्पल कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये इस वाले केस में कैसे करेंगे अब ये कैसे होगा तो हमें दिख तो रहा है कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड तो है रिडक्शन इसी का होना है वो तो ठीक है लेकिन यहाँ पे ना एडिशन भी करवाया इसका ये भी है आगे तो किस पर अटैक करेगा कहाँ अटैक करेगा वो ध्यान से देखना है तो पहले मैं कहने जैसे स्टार्ट किया था वैसे वापस से स्टार्ट करेंगे हमने ऐसे करवाया था फिर ऐसे फिर ऐसे है ना यहां पर जैसे ही डेवलप होना स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज ये मैं इलेक्ट्रॉन देगा ठीक है तो हमें कुछ ये मिलेगा डायरेक्टली कर दो देखो इसको हटाया हमने ये आ गया माइनस डबल बॉन्ड इधर आया ये ठीक है है ना इसके बाद अगर ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन विद्रो वहाँ से प्रोटोन विड्रो करेगा तो क्या होगा यहाँ से इसको ओवेच ले देंगे नेक्स्ट स्टेप में फिर से मेटल देगा इलेक्ट्रॉन और ये बन गया ये है ना अब एक चीज देखो यहाँ पर जो अपने पास H आने वाला है इस वाली पोजिशन पे उसके पास दो ऑप्शन है या तो वो ऊपर से आए यानी कि अब द प्लेन आप उसको दिखाओ या फिर वो नीचे से आए है ना हम कैसे डिसाइड करेंगे तो यहां पर ना इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है वो आप लिखेंगे साइड में इसे वापस आएंगे पर, पर यहां देखो जब भी बात हो रही है लिथियम या लिखो सिंपल मेटल आए यहाँ लिखो मेटल इन लिक्विड अमोनिया लिक्विड अमोनिया जब भी हमारे पास ये अवेलेबल है ध्यान रखेंगे हमेशा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनेगा हमेशा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनेगा जो हमने अभी चैनल पे स्टार्ट कर रखी है कैरूथर्स वाली सीरीज मैंने आपको उसमें भी लिखवाया था कि हमारे पास मेटल इन लिक्विड अमोनिया हमेशा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट देते हैं ठीक है ठीके? तो आपको इसका ध्यान रखना है मैंने वहां पर भी डिस्कस है वापस बोल रही हूँ रिविजन के लिए तो जब भी हमें दिखेगा ये तो हम क्या करवाएंगे हमेशा थर्मो प्रोडक्ट बनवाएंगे इतना क्लियर है और वहां पर मैंने एक वो डिस्कस किया था सपोज करो आपके पास ये है सपोज ये है आपके पास ठीक है तो यहाँ अपने पास डबल वोन ओ है यहाँ पे ये है लेट्स से यहाँ पे ऐसे लगा रखा है हमने ऐसा ही ऐसे ठीक है तो इस वाले केस में क्या होगा बाकी जैसे रिडक्शन वैसे होगी जो ये वाला एच यहाँ पर आएगा ना वो हमें क्या चाहिए हमें ओवरऑल थर्मो डायनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट चाहिए कैसे करवाएंगे अगर देखो ये वाला एग्जांपल ना काफी पॉपुलर है एक तो मैंने इसमें ऐड करवाया H2 पैलेडियम कार्बन ठीक है यानी कि H2 प्लस कैटलिस्ट मेटल एटलिस्ट और यहां पर क्या डाला हमने लिथियम इन लिक्विड अमोनिया सो इन दोनों ही केसेस में आपको अलग-अलग प्रोडक्ट -अलग देखने को मिलेंगे यहां मिलेगा हमें ध्यान से देखना इस वाले केस में हमें मिलेगा टॉप ऑफ द प्लेन है ना ये H तो ये भी अबव द प्लेन ही आएगा ये भी अब द प्लेन ही आएगा और ये ऐसे रहेगा लेकिन अगर हम बात करें बर्फ रिडक्शन वाले पोर्शन की तो वहां पर क्या मिलने वाला हमें ट्रांसडेकालीन मिलेगा देखो ऐसे हमने लिखा तो ये अबव द प्लेन है ना तो हमें अभी क्या मिलेगा बिलो द प्लेन मिलेगा एच ऐसे करके तो ये हमने पास क्या है ट्रांसडेकालीन कंपेरेटिवली मोर स्टेबल ट्रांस डेकाल सिस्टम इज कंपेटिवली मोर स्टेबल तो हमें ये को मिलता। तो आप रखेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला, तो आप ध्यान रखोगे जब भी बात हो रही है थर्मोडाइनोमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ही बनाना है क्लियर हो गया अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे सुनती हूँ यहां से तो अब इस वाले केस में जब हम H को ऐड करवाएंगे तो क्या होगा वो कहाँ से आएगा क्योंकि अब, अब द प्लेन है तो ये वाला H हमें बिलो द प्लेन ही देखने को मिलेगा ऐसे ये ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा नेक्स्ट स्टेप H कहाँ से आएगा? होगा से निकाला होगा इसने इधर है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा ऐसे और ये आएगा ऐसे है ना तो समझ में आ रहा है कि अटैक करेगा इसके ऊपर तो लास्ट में हमें ये मिलना है प्रोडक्ट यहां पर आया इथाइल एक मिथाइल पहले से था है ना एच डैश पे है मिथाइल वेज पे था और ये बन गया है डबल बोन ओ तो ये तो बन जाएगा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होगी अब हम वो कैसे बताएंगे ठीक है तो हमें वही सीखना है अभी कि स्टीरियो केमिस्ट्री हम कैसे डिसाइड करेंगे एक चीज देखो इसी वाले स्टेप पर रुचाओ और यहां पर ना क्या करना है आपको इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसको हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैसे हो जाएगा ये हमें दो ऐसे बनाने ऐसे बनाया ठीक है ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है सी एच थ्री एक एच नीचे की तरफ लगा हुआ है यहां पे ये तो डबल बोन प्लेन में है ना ऐसे है ये और लगा हुआ है सीएस थ्री ऐसे हमने लगाया हमारा क्वेश्चन ये है जो था लाइए कहां से आएगा चीज देखो यहां पर ना एच लगा हुआ है और क्या लगा, लगा सी इधर 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 है, है अब जो इथाइल ग्रुप है ऊपर से अप्रोच कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पर सीएसटी की वजह से ठीक है अगर हिंड्रेंस है, तो ऊपर से अप्रोच नहीं करेगा दैट मीनस एक ऑप्शन है नीचे से आएगा क्योंकि देखो प्लेन है ये या तो ऊपर से आ सकता है फिर नीचे से क्योंकि यहां पे हिंडर्ड ग्रुप है दैट मीनस उसको नीचे से आना पड़ेगा कैसे दिखाएंगे हम ऐसे करके ये और फिर अपना इसको नीचे से लेकर आएंगे ठीक है इसको नीचे से लेकर आएंगे तो क्या होगा सी एच थ्री ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाने का मतलब है आप सी एच थ्री को वेज पे दिखाएंगे और ये नीचे डैश से आएगा ऐसे क्लियर हो गया ट मींस जो हमारे पास इस वाले पोजिशन पे जो भी ग्रुप आएगा जो उसकी स्टीडियो पर स्टीडियस पर करेगी वो डिपेंड करेगी इस वाले पोजिशन पे क्या है या फिर इस वाली पोजिशन पे क्या है अगर यहां पे H होता है तो कोई इशू नहीं है आने दो उसको एक्चुअल पोजिशन से ठीक है लेकिन अगर यहां पे H नहीं है कोई ग्रुप लगा हुआ है फिर आप उसको नीचे से ही लेकर आओगे क्लियर हो गया ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे ठीक है या खुद से ट्राई करेंगे So, इस वाले केस में भी बाकी सब कुछ तो सेम ही है डिफरेंस कहां पर आएगा डिफरेंस सिर्फ इसका एच का है ना तो मैं सिर्फ ये देखना है कि ये कहां से आने वाला है कैसे करेंगे स्टार्ट इसको ऐसे देखो पहले तो वही काम करना है देखो मैं डेड यहां तक पहले तो हम इतना कर ही लेंगे ये वैच पे है ना तो कहां से आएगा डैश पे आएगा पहले तो एच है ना इसके बाद ऐसे ये ओ माइनस है और ये सी एच थ्री है अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आएगा इथाइल है ना क्या करेंगे इसको हम चेंज कर देंगे पहले ऐसे ऐसे चेंज करा हमने ये हमने पास ओ माइनस ओ माइनस यहाँ कहा सी एच थ्री ऊपर एक एच नीचे भी एक एच है ना यहाँ पर भी क्या है एच है अब देखो इस बार ऊपर दोनों क्या है एच एच लगे हुए हमें ठीक है तो इस वजह से जो तो इथाइल है वो ऊपर से आ सकता है कैसे दिखाएंगे इसको फिर हम इसको ऐसे ले जाएंगे यहां से ये ऐसे और इसका अटैक करवा देंगे इथाइल आयराइड के ऊपर ये बाहर इथाइल बचा ठीक है तो क्या मिलेगा हमें इधर H ऊपर H यहां से आ गया इथाइल नीचे है मिथाइल और ये हो गया कार्बन डबल बोन ऑक्सीजन कैसे दिखाएंगे इसको भी क्योंकि हमने ऐसे दिखाया है अपना रिएक्टेंट कैसे है अपना स्टार्टिंग मटेरियल ऐसे था तो इसको वापस से ऐसे आपको दिखाना है तो हमने ये लिखा यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो वेज से दिखाएंगे ये नीचे की तरफ है इसको डैश पे दिखाएंगे ऐसे यहाँ पे नीचे तरफ क्या है तरफ है तो उसको डैश, तो डैश पे दिखाओ डैश पे सी ऊपर की तरफ इथाइल है तो वेज पे दिखाएंगे इथाइल को ठीक है और यहां पर आ गया डबल वो ओ तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट क्लियर हो गया है ना एक और करते हैं एक ये वाला क्वेश्चन और करना है इसमें देखो आपके पास ना पहले चलो खुद से ट्राई करो एक बार फिर करते हैं इस वाले केस में आपके पास दो है और ये भी है लेकिन ध्यान रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये अपने पास आइसोलेटेड एल्कीन है आइसोलेटेड है जबकि ये कॉन्जुगेटेड है दैट मींस आइसोलेटेड को ये रिड्यूस नहीं करेगा इसको रिड्यूस कर देगा ठीक है इसको रिड्यूस कर देगा तो फिर देखते हैं क्या करवाएं डायरेक्टली अपने नए वाले स्टेप पे पहुंचेंगे बाकी तो हम पहले भी कर चुके हैं ये मिथाइल ऊपर से है तो यहां पर तो एच इसके ऑपोजिट आने यानी कि ट्रांस पे आने ऐसे आ गया ये हमने दिखाया एक मिथाइल पहले से है ये बना ओ माइनस सही है अब क्या करेंगे लास्ट में? लास्ट स्टेप स्टेप में में इसको ऐसे दिखाएंगे क्योंकि हमें जो एच आने वाला है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है ऊपर की तरफ सी एच थ्री है नीचे की तरफ एच है सी एच थ्री यहां पर है और ये ओ माइनस है ठीक है एन एच फोर सीएलसी एच प्लस मिल जाएगा हमें है ना तो क्या होगा यह इसको ना ध्यान से समझना अब जो अपने पास H प्लस आने वाला है वो तो बहुत छोटा है है ना वो तो बहुत छोटा है दैट मीन्स वो ऊपर से अप्रोच कर सकता है तो आप ध्यान रखेंगे इस वाले केस में अटैक ऊपर से हो सकता है एक जगह फिर से रिमाइंड करवा रही हूं मैंने आपको ना इसको इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाई थी उसको मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी वहां से चेक कर लेना कि जब भी हमारे पास अटैक करना होता है जब भी अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जिसको हम बोलते हैं जब अटैक होता है हमारे पास उस वाले केस में हमेशा जो न्यूक्लियो है वो कहाँ से अप्रोच करता है ऊपर से अप्रोच करता है ठीक है आप ध्यान रखेंगे इस तरह से करके आप ध्यान रखोग जब भी हमारे पास एडिशन होने ना कुछ भी रिएक्शन होनी है तो हमेशा जो इनकमिंग ग्रुप है ऐसे बोलो जो इनकमिंग ग्रुप है वो हमेशा एक्ज पोजीशन से अप्रोच करता है इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पूरा डिटेल मैंने समझा रखा है तो ऐसे यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा उसकी ऊपर से होती है यानी कि एक्जल पोजिशन से ही होती है इसके बाद अगर वहां से नहीं हो सकता तो फिर एक पे जाता है ठीक है तो हमारे पास क्या यहां पे एच प्लस छोटा है तो ये ऊपर से अप्रोच कर सकता है तो ये ऊपर से ही आएगा और हमें ये देखने को मिलेगा सी एच ऊपर से आया मतलब ऊपर से पहले से है H यहाँ पर है पर ये डबल मिला एच यहां पे ऊपर से आएगा मिठाई नीचे की तरफ ये ठीक है इसको फिर हम चेंज कर लेंगे इस वाली फॉर्म में क्योंकि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल ऐसे वाली फॉर्म में था तो ये अपना हो गया मिथाइल डैश पे एच एच ऊपर की तरफ है और मिथाइल नीचे की तरफ है ये ठीक है हमने अभी जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस करे हैं मैं आपको लास्ट में एक समराइज करती हूं एक बार जब भी बात होगी ऐसे वाले सिस्टम्स में स्टीरियो केमिस्ट्री की सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे अगर अटैक इस वाली पोजिशन पे होना है

आने वाला इनकमिंग ग्रुप जो है उसको नीचे से लेकर आए लेकिन अगर जो इनकमिंग ग्रुप है अगर वो छोटा हुआ जैसे एच प्लस था अगर वो छोटा हुआ तो वो आराम से ऊपर से आ सकता है क्लियर हो गया हमें सिर्फ देखना है कि हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है अगर ये बल्कि हुआ तो इनकमिंग ग्रुप को नीचे से लेकर आएंगे लेकिन अगर इनकमिंग ग्रुप छोटा है जैसे एच प्लस अगर है तो वो ऊपर से आ सकता सकेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी क्या होती है कि उसको एडिशनल पोजिशन से ही आना है रीजन क्या है इसका आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन पूरी मिल जाएगी तो यहां पर अपने एग्जाम्पल सोल्व हो गए अब ना बर्च रिडक्शन में एक और टॉपिक बचता है देखो अगर मैंने ये लिखा ये है ठीक है यहां मैंने लगा दिया लेट से मिठाई लगा दिया और इसमें मैंने एक बार तो ऐड करवाया एल आई एल एच फोर एल आई एल एच फोर और एक बार ऐड करवाया इसमें वही लिथियम लिक्विड अमोनिया तो हमें दोनों केसेस में क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो आपको लिखना है इस को एकदम ध्यान से करना मैंने आपको बताया था इस वाले केस में हमेशा ही थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनेगा उसको यूज करके एक बार ट्राई करो कैसे करवाएंगे जब भी आपके पास ऐसे सिक्स मेंबर रिंग हो उसका आप कुछ नहीं करना जो भी रिएक्शन करवा रहे हो उसको चेंज कर दो आपको उसको चेंज करना है चेयर फॉर्म में ठीक है क्योंकि एक्चुअल में वो चेयर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो सारे रिएक्शन हम वहीं से कराएंगे कर ऐसे है ये डबल बोन ओ मिठाई लगाओ मैं कहाँ लगाएंगे इसको एक्चुअल पे लगाओ मैं या फिर इक्विटोरियल एक्ट, पे तो इक्विटोरियल पे ज्यादा स्टेबल रहेगा हमने यहाँ लगा दिया यह फिर ठीक है तो जब हम इसमें ऐड करवाएंगे एल क्या आएगा यहाँ से एच फोर एच वो माइनस आएगा कहां से अप्रोच करेगा मैंने आपको बोला हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि हमारे पास जो भी इनकमिंग ग्रुप है वो एक्शुअल पोजिशन से आए ठीक है तो क्या होगा ये से अप्रोच करेगा तो क्या मिलेगा हमें नीचे ओ एच और ये सी एच सी ठीक है सी कैसी होगी एच ऊपर की तरफ सॉरी सी एच सी ऊपर की तरफ है ये एच नीचे की तरफ है ऊपर की साइड का मीनिंग क्या होता तो है उसको हम एच पे दिखाते हैं ना तो हमें ऐसे बनाऊंगी इसको हमने इसको वेज पे दिखाया CH3 को ठीक है ये भी अपसाइड है और ये भी अपसाइड यानी कि H भी वेज पे आएगा और डैश पे आ जाएगा OH इस वाले केस में ये रहेगा प्रोडक्ट क्लियर है तो ये तो हमने किया LiAlH4 के केस में इसमें अगर हम ऐड करेंगे लिथियम इन लिक्विड अमोनिया तो भी हमें सेम ही मिलने वाला है ठीक है तो भी हमारा प्रोडक्ट यही मिलने वाला है अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इसने थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया तो बनाया है देखो ध्यान से देखो एक तो ये है माइनर कौन सा होगा इस वाले केस में माइनर ये होगा जब ओ OH एच ऊपर बनेगा और एच नीचे बनेगा जब ऐड करवा दो दो पॉसिबिलिटी है एक तो ये बनेगा एक ये बनेगा है ना मैं बोल रही हूं इस वाले केस में ये बनता है 82 परसेंट और कितना बचा ठीक है इतना ऐसे क्यों हुआ क्योंकि हमारे पास इनकमिंग ग्रुप एगिशियल से ही अप्रोच करता, अप्रोच करता है इसने करा ऊपर से ये बनाया मेजर यही था अब अगर मैं आपसे ये पूछूं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है ऐसे में देखो कहां से बना सिर्फ ये देखो अगर आपके सामने सिर्फ ये दोनों है, दोनों हैं इन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है कैसे देखोगे सीएस दोनों ही केसेस में क्या अपने पास मेंियल पोजिशन पे है पोजिशन किसकी चेंज है

और इसको बी सो लिक्विड अमोनिया वाले केस में यहाँ पर भी ए प्लस बी मिलने वाले हैं हमें बस डिफरेंस ये होगा कि ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट ही बनाता है तो ए जो है मेजर यहाँ भी रहेगा लेकिन इस बार नाइन्टी नाइन परसेंट बनेगा और सिर्फ एक परसेंट बनेगा अपना ये वाला बी वाला प्रोडक्ट ठीक है सो so, दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट सेम आने वाले हैं मेजर प्रोडक्ट आप यही इसी इसी को बताएंगे यहाँ पर हमने क्या देखा था हमें एक्जल पर चाहिए था और यहाँ हम देख रहे हैं इसमें से थर्मोडाइनामिक प्रोडक्ट कौन सा है यानी कि जो स्मॉल ग्रुप है उसको एक्जल पर रखेंगे उससे बड़े वाले को इक्विटोरियल पर रखेंगे ऐसे करके दोनों केसेस में मेजर तो सेम है लेकिन परसेंटेज दोनों की अलग अलग है ठीक है इतना क्लियर हुआ तो यहाँ पर ना जितने भी केसेस होते हैं बर्थ रिडक्शन के हमने सारे अच्छे से डिस्कस कर लिए पार्ट सिक्स एंड पार्ट सेवन दोनों मिला के कंप्लीट होता है हमारा रिडक्शन इसके बाद आई होप जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती हैप्पी है, लर्निंग